मसला ये है भगवंत मान जी वहां नाटक करने आ रहे हैं। पंजाब के लोगों ने उन्हें स्टेट दी थी संभालने के लिए, पर वो कोशिश करते हैं स्टेज संभालने की। स्टेज और स्टेट का जो डिफरेंस है वो ही नहीं समझ पाए। साहब मसला ये है भगवंत मान जी वहां नाटक करने आ रहे हैं। पंजाब के लोगों ने उन्हें स्टेट दी थी संभालने के लिए, पर वो कोशिश करते हैं स्टेज संभालने की। अभी तक भगवंत मान जी ये नहीं समझ पाए, स्टेज और स्टेट का जो डिफरेंस है वो ही नहीं समझ पाए। उन लोगों से किस किस्म की बहस की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने मॉडरेटर रखे हैं स्पीच के, प्रोफेसर जोड़ा जो हैं, एक बहुत अच्छे नाटककार हैं। उससे पहले वो मिस पंजाबन जो एक कॉन्टेस्ट होता है पंजाब में बच्चियों को सिलेक्ट करने के लिए, उसका भी उन्होंने उसको मॉडरेट किया है। वो अपने काम के लिए मिस इंडिया या मिस पंजाब कंपटीशन के लिए फिट हो सकते हैं, पर पंजाब के गंभीर मुद्दों को डिबेट में मॉडरेटर के लिए मैं नहीं समझता कि वो इस बात के लिए काम है। भगवंत मान जी भी बहुत अच्छे नाटक मंच के और मंच के बड़े कलाकार रहे हैं। वो आज हम उनसे एक मुख्यमंत्री के तौर पर बात करना चाह रहे हैं, ना कि एक नाटककार। आई एम मोर देन रेडी डिबेट के लिए सर, आई एम प्रिपेयर्ड। इनफैक्ट मैंने लोगों से उस राय भी मांगी है कि आप बताइए कौन से इश्यूज करना चाहेंगे। मसला यह है कि आप भगवंत मान जी भी डिबेट के लिए तैयार हैं नाटक के लिए, क्योंकि उन्होंने जिस किस्म के मॉडरेटर सजेस्ट किए हैं, प्रोफेसर जोड़ा बहुत ही केपेबल आदमी है, बड़े अच्छे नाटककार रहे हैं, वो बड़े अच्छे उन्होंने नाटक किए हैं, साहित्यकार भी हैं, पर उन्होंने जहां पे मिस पंजाब या जहां बोलते हैं मिस पंजाबन, उसको भी उन्होंने मॉडरेट किया उस कंपटीशन को, बट आई डोंट थिंक उनके पास एक नेशनल इस लेवल की, पंजाब लेवल की सीरियस मुद्दों के ऊपर डिबेट करने के लिए कैपेबिलिटी है। और दूसरा, वो एक सरकारी मुलाजम है, वो भगवंत मान के एट हिज प्लेजर उनकी सरकार बनने के बाद में उनको वहां पे पीआईयू में डीएसडब्ल्यू लगा दिया गया, क्या डिबेट? तो मैं समझता हूँ भगवंत मान जी तो आए नाटक करने के लिए रहे, डिबेट करें तो बहुत अच्छी बात।